स्वास्थ्य विभाग से निकाले जा रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन शनिवार को स्थगित हो गया। कर्मचारियों के संविदा एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है, हालांकि डॉक्टरों की संविदा छः महीने के लिए बढ़ाई गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश हेल्थ स्ट्रेथिंग प्रोग्राम के तहत ज़िले के 51 अस्पतालों में तैनात करीब 5,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा आगामी 30 सितंबर को समाप्त हो जाती। कर्मचारियों ने आगामी 27 सितंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को लखनऊ में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद संविदा अनुबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस योजना के तहत तैनात डॉक्टरों के संविदा की म्याद 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, एनएम के द्वारा, सेवा प्रदाता के द्वारा रखे गए कर्मियों द्वारा कल 20 से लेकर 24 तक कार्य बहिष्कार 3 घंटे 8 से 11 का नोटिस दिया गया था। इसके क्रम में उनके द्वारा कल कार्य बहिष्कार किया गया था, लेकिन शाम तक एक आदेश आया है जिसमें लिखा गया कि इनकी सेवाएं अभी एक महीने के लिए एक्सटेंड की जाती हैं। इसके क्रम में उन्होंने फिर सूचित किया कि हम लोग कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे और आज वो लोग कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इनको है कि इनको सेवाएं समाप्त न की जाएं और आगे भी हमसे सेवाएं ली जाएं, मांग यही है।